दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स S5 लाइट जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी कीमत है 7,999 रुपये। ये इन्फिनिक्स S5 का लाइटर वेरिएंट है। जो स्पेसिफिकेशंस है थोड़ा सा उसमें अंतर है और जो डिज़ाइन है उसमें भी अंतर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि ये जो हैंडसेट है इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। ये जो हैंडसेट है इसमें 4000 mAh की बैटरी है और ये पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँ, मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ और वो है इन्फिनिक्स बैंड 5। ये है इन्फिनिक्स का स्मार्ट बैंड जो जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब ये जो इन्फिनिक्स का नया फिटनेस बैंड है, ये नवंबर एंड तक लॉन्च हो सकता है और हो सकता है कि दिसंबर में ये अवेलेबल हो। लेकिन जब ये लॉन्च होगा तो मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आऊँगा और कुछ सरप्राइज भी होगा, इसलिए ये जो इन्फिनिक्स बैंड 5 है इसका वीडियो देखना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है इन्फिनिक्स S5 लाइट का बॉक्स पैकिंग। ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है, इसमें 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है, ये मेड इन इंडिया है और की स्पेसिफिकेशंस बॉक्स के पीछे दिया हुआ है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो बॉक्स के अंदर है ये हैंडसेट इन्फिनिक्स S5 लाइट। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ और आपको ये डेटा केबल मिलता है, USB टू माइक्रो USB डेटा केबल, साथ में ये ट्रैवल चार्जर भी दिया हुआ है। इसकी रेटिंग है 5 volts 1.2 amperes और ये है सिम ट्रे इजेक्ट पिन और ये है सिलिकॉन केस जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है और इसके ऊपर क्लिप आर्ट टेक्सचर्स भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी इसे एक यूनिक लुक देते हैं। और बॉक्स में आपको ये 3 booklets मिलते हैं जिसमें एक तो है एक्स क्लब के बारे में जानकारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में वारंटी के बारे में जानकारी आपको इस बुकलेट में मिल जाएगी और ये है यूज़र मैनुअल जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये है वो हैंडसेट S5 लाइट। इसके ऊपर ये जो फिल्म लगा हुआ है इसे मैं निकाल देता हूँ। इनफैक्ट मैंने इसे ऑलरेडी ऑन कर दिया है क्योंकि मुझे कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। और ये देखिए, ये इस प्रकार का दिखता है। और अगर मैं इसे इन्फिनिक्स S5 के साथ में कंपेयर करूँ तो अगर आप बैक देखें तो दोनों का जो डिज़ाइन है काफ़ी अलग है। इन्फिनिक्स S5 पर इस प्रकार का टेक्स्चर दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का टेक्स्चर दिया हुआ है। इनफैक्ट मुझे ये जो S5 लाइट है इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आ रहा है। और अगर आप ये जो S5 की तरफ ध्यान दें तो इस पर कर्वी बॉडी थी बैक की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक तरह से फ्लैट बॉडी है। ये देखिए, जो बैक है फ्लैट किस्म का है। ये जो S5 लाइट स्मार्टफोन है इस पर 2.5D कर्व ग्लास का उपयोग किया गया है पीछे की तरफ और आगे की तरफ भी 2.5D कर्व ग्लास का उपयोग किया गया है। हैंडसेट का वजन है तकरीबन 178 grams और ये 4000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये जो स्क्रीन है 6.6 inches का है, HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है और ये पंच होल डिस्प्ले है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कैमरा है। मैंने ऐसा वॉलपेपर सेलेक्ट किया हुआ है जो कैमरा को एक तरह से हाइड कर रहा है। ये जो पैरेट है इसकी जो आंखें हैं एक तरह से ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कैमरा है, तो जो कैमरा है एक तरह से छुप गया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, मतलब कि ज़्यादा स्क्रीन मिल जाता है काम करने के लिए। पावर बटन वॉल्यूम रॉकर राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है और ये देखिए, ये ट्रिपल स्लॉट्स के साथ में आते हैं। आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का एक साथ इस हैंडसेट पर उपयोग कर पाएंगे। नीचे की तरफ स्पीकर आउट वेंट है, माइक्रो USB पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है और ऑडियो जैक दिया हुआ है। पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और इसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और ये जो दोनों सिक्योरिटी फीचर्स हैं, मतलब कि फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए, रियर साइड पर ट्रिपल AI कैमरास दिया हुआ है, 16 MP का प्राइमरी लेंस है, 2 MP का डेप्थ सेंसर है और एक लो लाइट सेंसर दिया हुआ है। और आगे की तरफ पंच होल में 16 MP का कैमरा है। इसके पहले कि मैं आपको कैमरे की क्वालिटी के बारे में बताऊं, जब कभी आप फ्रंट कैमरा को एनेबल करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो फ्रंट कैमरा है उसके बगल में एक एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, ये देखिए इस प्रकार का। तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि फ्रंट कैमरा कहाँ पर है। और जब कभी आपको सेल्फी लेना है तो ये जो एनिमेशन है इसकी तरफ आपको देखना है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो एवरेज किस्म की है। डेलाइट में आपको बढ़िया शॉट मिल जाएंगे, पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत ही कमाल के खींच लेता है, लेकिन जब लो लाइट शॉट की बात आती है तो इतना इंप्रेसिव नहीं है। अभी मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिखा दिया है और ये देखिए, ये है लो लाइट शॉट का सैंपल। इसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये जो हैंडसेट है इसका जो कैमरा क्वालिटी है लो लाइट में इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करने वाला है, लेकिन डेलाइट में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर लेता है। चलिए अब ये जो हैंडसेट है इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, पबजी गेम खेल के देखते हैं।
तो ये देखिए पबजी गेम मैंने शुरू कर दिया है, और जब मैंने ये गेम शुरू किया तो जो गेम मोड है वो एक्टिवेट हो गया है। ये देखिए ये है गेम मोड। अब ये जो गेम मोड है ये आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर बना सकता है। ये जो हैंडसेट है S5 Lite, इसमें MediaTek Helio 64-bit octa-core प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। अब ये जो प्रोसेसर है ये इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन आप इस पर PUBG गेम कुछ हद तक खेल पाएंगे। ये देखिए फिलहाल तो ये जो गेम है डेथ मैच ये बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं हायर लेवल्स पर जाऊंगा तो ये जो गेम है ये खेलना और भी मुश्किल हो जाएगा। PUBG जैसा गेम खेलने के लिए आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी हायर लेवल्स पर, लेकिन फिलहाल इस लेवल पर आप ये जो गेम है खेल पाएंगे। ये देखिए ये जो PUBG गेम है मैं स्मूथ और मीडियम क्वालिटी में खेल रहा था। इस हैंडसेट में 4000 mAh की बैटरी है जो फुल चार्ज पर आपको तकरीबन 2 दिन का बैटरी लाइफ दे सकती है। और ये देखिए ये जो हैंडसेट है इसके ऊपर मैंने ये कवर लगा दिया है, तो जो सिलिकॉन कवर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है लगाने के बाद इस प्रकार का दिखता है, एक इसे यूनिक किस्म का लुक दे रहा है। तो दोस्तों ये है इन्फिनिक्स S5 Lite, कीमत शुरू होती है 7999 रुपये से, और ये जो हैंडसेट है इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, PUBG गेम कुछ हद तक आप इस पर खेल पाएंगे। कैमरा क्वालिटी जो है वो एवरेज किस्म की है, लो लाइट शॉट्स इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन डे लाइट शॉट्स काफ़ी बढ़िया आ जाते हैं। सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए इनके जो शॉट्स हैं काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों ये हैंडसेट आपको कैसे लगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।